नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल जे के डी हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करेंगे क्लोरफेनिरामिन टेबलेट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर क्लोरफेनिरामिन मैलिएट टेबलेट किस मर्ज़ में काम आता है। दोस्तों ये एक एंटी हिस्टमिन टेबलेट है जो आपके शरीर से हिस्टमीन नाम के नेचुरल केमिकल के प्रभाव को कम करता है। दोस्तों छींक आने के लक्षण, आँख में पानी आने के लक्षण, नाक के बहने के लक्षण और खुजली के लक्षण को हिस्टमीन नाम का एक नेचुरल केमिकल पैदा करता है। तो क्लोरफेनिरामिन नाम की दवा इन मर्ज़ों को ठीक करती है और जिससे आपके शरीर में ऐसे लक्षण नहीं पनपते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को छींक आना, खुजली होना, आँख में पानी आना और नाक के बहने के लक्षण दिखते हैं, लेकिन साथ साथ उनको खांसी भी बहुत आती है। तो क्लोरफेनिरामिन अकेले खांसी को नहीं सही कर सकता है, तो डॉक्टर्स इसके लिए आपको एक और दवा देते हैं जिसका नाम है डेक्सट्रोमेथोरफन। कहीं कहीं आपको डेक्सट्रोमेथोरफन और क्लोरफेनिरामिन दवा का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि ये आपको पूरी तरह से सही कर दे, यानी आपकी खांसी में भी आराम मिल जाए। दोस्तों अगर आपकी खांसी का कारण हैवी स्मोकिंग है या अस्थमा है तो क्लोरफेनिरामिन और डेक्सट्रोमेथोरफन के कॉम्बिनेशन से ये नहीं जाएगी, इसके लिए आपको अलग से दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एलर्जी या फिर कॉमन कोल्ड या फ्लू से पनपे लक्षणों को ठीक करती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्लोरफेनिरामिन मैलिएट टेबलेट आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, यानी ये जो एंटी हिस्टामिन टेबलेट है ये आखिर किस तरीके से काम करती है। जब भी आपका शरीर वातावरण में फैले धूल के संपर्क में आता है तो ये आपके शरीर में हिस्टामिन नाम की एक केमिकल को पैदा कर देता है जो आपके नाक में जो टिश्यू होते हैं उनको और फुला देता है, मोटा कर देता है, और इसकी वजह से आपके नाक में पानी आने लग जाता है और आँख से भी पानी आता है और कभी कभी तो मुंह में छाले भी आ जाते हैं या फिर खुजली जैसा महसूस होता है, और कुछ कुछ लोगों में तो स्किन में रैशेस आ जाते हैं जिसकी वजह से खुजली होने लग जाती है। दोस्तों और दोस्तों एंटी हिस्टामिन टैबलेट जब आप खाते हैं तो ये हिस्टामिन नाम की केमिकल को या तो ब्लॉक कर देता है या फिर उसके असर को कम कर देता है, जिससे आपको एलर्जी वाले लक्षण नहीं दिखते हैं और आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। और दोस्तों आप बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों एंटी हिस्टामिन टैबलेट लेने से आपका मुंह सूख सकता है, आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है या फिर मतली उल्टी भी आ सकती है, कभी कभी बेचैनी भी आती है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो समय के साथ सही हो जाते हैं, और अगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू।